इस बार आप DID सुपरमॉम सर्च करने वाली हैं, सो कैसा रहेगा? बहुत एक्साइटेड सी फीलिंग है क्योंकि ये सुपर माम का स्पेशल है. मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा से जो होता है कि भारत में ज़्यादा करके कि एक लड़की जो होती है वो बहुत बेहतरीन बेटी, माँ, बीवी सब कुछ बनती है, बहू सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं उस सब में उसकी ख्वाहिशें, उसकी उम्मीदें, उसके जो ख्वाब होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं. मुझे लगता है DID सुपर मॉम एक ऐसा मंच बनेगा कि जिसके ऊपर ऐसी कई औरतें आएंगी और अपने सपनों को साकार होते हुए देखेगी, और ये जो हिम्मत और धैर्य वो दिखाएंगी, कुछों ने 10-10, 12-12 बरस डांस नहीं किया है, कुछों ने कभी डांस नहीं सीखा है, ऐसी कई सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ इस मंच पर आ रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है. और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज के ज़माने में ये शो लोग बहुत पसंद करेंगे. मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर में इतने पावरफुल रोल किए हैं, ये भी एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल होता है जजिंग का, लेकिन आज OTT प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फीमेल सेंट्रिक फिल्में बन रही है. बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे कि बीइंग एन एक्ट्रेस डू यू डिजर्व? मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जब भी मैं करूँ कि ऐसी कोई चीज़ करूँ कि जो पहले ना की हो, तो OTT प्लेटफॉर्म पे भी मेरा आने का पूरा मन है, और मेरा यकीन कीजिए वो जल्दी होने वाला है, और वो जब मैं करूँगी वो भी उतना ही बेहतरीन और शानदार होगा जिसके जैसे कि मेरे पहले के परफॉर्मेंसेस मैंने करने की कोशिश की है. सो मैम, आज तो ऑडिशन राउंड है, तो क्या ऐसे कोई क्राइटेरिया एक धमाका होना चाहिए एज अ परफॉर्मर. मुझे ऐसे लगता है कि वो गाना है जैसे कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा. मेरे ख्याल से हर दिल वो प्यार करेगा वो भी नाच के झूम के गाएगा और बताएगा. सो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है कि जब कोई भी व्यक्ति डांस करता है, मैंने अपने ज़िंदगी में भी अपने हर एक डांस यही सोच कर किए हैं कि जब आप नाचते हो तो आपके साथ साथ सामने वाला झूम उठे और नाच उठे, तो वो क्वालिटी जिसमें होगी वो मेरे ख्याल से हम सब के दिलों के बहुत करीब. Thank you so much. Thank you. इस बार आप DID सुपरमॉम सर्च करने वाली हैं, सो कैसा रहेगा? बहुत एक्साइटेड सी फीलिंग है क्योंकि ये सुपर माम का स्पेशल है. मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा से जो होता है कि भारत में ज़्यादा करके कि एक लड़की जो होती है वो बहुत बेहतरीन बेटी, माँ, बीवी सब कुछ बनती है, बहू सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं उस सब में उसकी ख्वाहिशें, उसकी उम्मीदें, उसके जो ख्वाब होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं. मुझे लगता है DID सुपर मॉम एक ऐसा मंच बनेगा कि जिसके ऊपर ऐसी कई औरतें आएंगी और अपने सपनों को साकार होते हुए देखेगी, और ये जो हिम्मत और धैर्य वो दिखाएंगी, कुछों ने 10-10, 12-12 बरस डांस नहीं किया है, कुछों ने कभी डांस नहीं सीखा है, ऐसी कई सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ इस मंच पर आ रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है. और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज के ज़माने में ये शो लोग बहुत पसंद करेंगे. मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर में इतने पावरफुल रोल किए हैं, ये भी एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल होता है जजिंग का, लेकिन आज OTT प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फीमेल सेंट्रिक फिल्में बन रही है. बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे कि बीइंग एन एक्ट्रेस डू यू डिजर्व? मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जब भी मैं करूँ कि ऐसी कोई चीज़ करूँ कि जो पहले ना की हो, तो OTT प्लेटफॉर्म पे भी मेरा आने का पूरा मन है, और मेरा यकीन कीजिए वो जल्दी होने वाला है, और वो जब मैं करूँगी वो भी उतना ही बेहतरीन और शानदार होगा जिसके जैसे कि मेरे पहले के परफॉर्मेंसेस मैंने करने की कोशिश की है. सो मैम, आज तो ऑडिशन राउंड है, तो क्या ऐसे कोई क्राइटेरिया और है कि ये पार्ट होने चाहिए?
एक 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 धमाका होना चाहिए एज अ परफॉर्मर. मुझे ऐसे लगता है कि वो गाना है जैसे कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा. मेरे ख्याल से हर दिल वो प्यार करेगा वो भी नाच नाच के झूम के गाएगा और बताएगा. सो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है कि जब कोई भी व्यक्ति डांस करता है, मैंने अपने ज़िंदगी में भी अपने हर एक डांस यही सोच कर किए हैं कि जब आप नाचते हो तो आपके साथ साथ सामने वाला झूम उठे और नाच उठे, तो वो क्वालिटी जिसमें होगी वो मेरे ख्याल से हम सबके दिलों के बहुत करीब होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.